अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर पाटिल, आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी मेन स्पेशलिटी स्पोर्ट्स सर्जरी है और नी रिप्लेसमेंट और शोल्डर की सर्जरी मैं करता हूँ ज़्यादातर, जिसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपी। ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, जो आज आपको बताएंगे कि ACL जब इंजरी होती है तो उसकी जर्नी कैसे होती है, पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स होते हैं और ACL इंजरी है क्या और सर्जरी की कैसे जाती है, और इस पूरी जर्नी को आप 5 मिनट में देख लेंगे और बहुत सारे सवालों के आपके जवाब दे दिए जाएंगे। अगर मैं आपको नी मॉडल दिखाऊं और करीब से दिखाऊं तो नी के ऊपर और नीचे वाली हड्डी को फीमर और टिबिया कहते हैं। नी के ऊपर वाले हिस्से में नी कैप लगा होता है जिसको हम कहते हैं पैटेला, और ये पैटेला बोन होती है। नी पैटेला बोन की वजह से ऊपर और नीचे की तरफ जाती है। जब लड़के का ACL इंजरी होती है तो ज्यादातर फुटबॉल प्लेयर्स मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से जब वो गिरता है तो उसकी टांग हल्की सी ट्विस्ट करते हैं। जब टांग उसकी ट्विस्ट होती है तो उसकी नी के अंदर जो लिगामेंट लगा हुआ है, ये जो सामने वाला लिगामेंट, इसको कहते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट अचानक ट्विस्ट होने की वजह से रप्चर हो जाता है, मतलब टूट जाता है अपनी अटैचमेंट से। इसका फंक्शन क्या है बहुत दफा पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे जाने से नी को रोकना और पीछे जाने से नी को रोकना। अच्छा, ये हमारे एक पेशेंट हैं जिनका आज हम ACL रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। उससे पहले मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं इनका इंटरव्यू ले सकता हूं। बेटा, आप मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? 20 साल। तो और आप प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं? जी। कितना अर्सा पहले आपकी टांग की इंजरी हुई? 6 से 7 महीने पहले। फुटबॉल खेलते हुए टांग आपकी यूं करके ट्विस्ट हुई? अच्छा, सूजन हो गई? तो ये टिपिकल फीचर होता है, आप देखें पेशेंट की, कि उनकी टांग जब फुटबॉल खेलते हुए टांग निकलती है तो उनकी टांग सूज जाती है। स्वेलिंग 2 से 3 हफ्ते रहती है। स्वेलिंग खत्म होने के बाद पेशेंट को लगता है कि उनकी स्वेलिंग खत्म हो गई है, लेकिन जब दोबारा आप ग्राउंड में उतरे फिर नहीं। अच्छा, अब हम आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके दिखाएंगे कि नी देखने में लगती कैसी है जिसकी टांग की लिगामेंट डैमेज हो गया। तो ये पेशेंट की नी है। अगर मैं दोनों नी दिखाऊं तो इंटरेस्टिंगली देखने में दोनों नी एक जैसी लग रही है, लेकिन इंजरी इस नी को हुई है। अगर आप ये नी बेंड करके देखें तो पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट है, और अक्सर पेशेंट्स का जिनका ACL डैमेज होता है उनकी नी पूरी बेंड भी होती है और पूरी सीधी भी होती है, जिस तरह वो नी होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये नी आगे निकल रही है। इसको कहते हैं लैक्मन टेस्ट पॉजिटिव। तो पेशेंट की मेन प्रॉब्लम होती है कि जब वो नॉर्मल चलता फिरता है उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होता, लेकिन जहां वो टांग को रोटेट करते हैं उसकी टांग अपने से निकलती है, और इसका मतलब है कि ACL इंजरी पॉजिटिव। पिछले 20 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी और आज भी ACL जो टांग की रस्सी है उसका इलाज ओपन घुटना खोल के किया जाता है। सिर्फ फर्क दिखाऊंगा कि आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन में और ओपन ACL में फर्क क्या होता है इस तस्वीर के जरिए। ओपन ACL के अंदर जख्म के अंदर इतना बड़ा कट लगा होता है, हड्डी ली जाती है आपके टखने से और सुराख करके नीचे भी लोहे का स्क्रू लगाते हैं ऊपर। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ओपन ACL करते हैं तो एक तो टांग में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, रिकवरी बहुत स्लो होती है और पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होता है, और अक्सर पेशेंट चूंकि ग्राफ्ट की पोजीशन सीधी है जो कि होनी चाहिए वर्टिकल, उसकी वजह से ग्राफ्ट आगे पीछे में तो थोड़ा सा बैलेंस होता है लेकिन रोटेशन में अनस्टेबल होता है और फेल हो जाते हैं। जो एडवांस ACL रिकंस्ट्रक्शन है जो मैं ऑफर करता हूँ वो ऐसा होता है, आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। मेरे ACL रिकंस्ट्रक्शन का ग्राफ्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो पेशेंट का एग्जिस्टिंग ग्राफ्ट है यहाँ तक उसको मैं टच भी ना करूँ, ताकि खून की रवानगी और ब्लड सप्लाई उस ग्राफ्ट जो मैं अंदर से डाल रहा हूँ आपका अपनी बॉडी से लेके टेंडन वो मौजूद रहे। ग्राफ्ट यहाँ आके स्टॉप हो जाता है और एक धागा होता है और एंडो बटन लगा होता है जो फीमर के लैटरल कॉर्टेक्स में बैठता है और इस जगह पे घुला हुआ स्क्रू लगाया जाता है। आप दोबारा से फर्क देखें, एक इतना बड़ा कट और एक छोटा सा सुराख, और 2 सुराख से सारी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है और बहुत जल्दी रिकवर करता है। एक नेचुरल सी बात है कि घुटना खोल के ऑपरेशन करना और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करने में बहुत फर्क होगा, पेन में भी और रिकवरी में भी। और ग्राफ्ट को यहाँ से निकलना इसलिए जरूरी है एनाटॉमिकली कि एक्चुअल ग्राफ्ट की भी पोजिशन यही होती है। तो जिन पेशेंट्स के ग्राफ्ट सीधे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिन पेशेंट्स के ग्राफ्ट एनाटॉमिकल होते हैं वो रिकवर जल्दी करते हैं।